एज एन एक्टर भी मैंने काफी ग्रो किया है। ऐसा बोलते हैं कि टीवी में कुछ ज्यादा करने के लिए गुम है किसी के प्यार में से खत्म हुआ शक्ति अरोड़ा यानी कि शान का किरदार। सो गाइस अब गुम है किसी के प्यार में शक्ति अरोड़ा का था लास्ट डे, जहाँ पे शक्ति अरोड़ा एक इमोशनल सी स्पीच देते हुए नजर, जहाँ पे उनके वॉइस में ही पता लग रहा है कि उनको कितना बुरा लग रहा है। सो गाइस शान का कैरेक्टर खत्म हो चुका है, अब एक नई कहानी स्टार्ट होगी, नया हीरो होगा, हीरोइन वही रहेंगी यानी कि साबिन ही रहेंगी, साबिन का किरदार निभाने वाले भाविका शर्मा ही रहेंगी, लेकिन वो किसी और नाम से पहचानी जाएंगी। लेकिन ईशान का कैरेक्टर ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे ईशान यानी कि शक्ति अरोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल नजर आए अपने लास्ट डे पे, जहाँ पे वो स्पीच में बताते हुए नजर आए कि टीवी पर एक्टर को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता, लेकिन इस शो में शक्ति अरोड़ा ने फर्स्ट टाइम इतने डायलॉग बोले हैं, मतलब बहुत सारे डायलॉग बोले आज तक शक्ति ने किसी भी सीरियल में, जितने भी सीरियल उन्होंने किया इतने डायलॉग नहीं बोले जितना इस सीरियल में किया। बहुत कुछ सीखा शक्ति अरोड़ा ने, सारे फैंस भी बहुत इमोशनल है शक्ति के सो के छोड़ के जाने से, या छोड़ के जाने से क्या, जो मेकर्स करेंगे वही करेंगे, एक्टर कर सकता है, लेकिन फैंस बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि प्लीज़ शक्ति अरोड़ा ने कि शान के किरदार को ख़त्म ना किया जाए, फिर भी मेकर्स ने किया है। आपका क्या रिएक्शन है इस पर?